मेरी वेट थी 74 kg, राइट नाउ माई वेट इज 60 kg। सो वीडियो को पूरा देखना सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल तृषा। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल तो मैं हूँ तृषा। आई थिंक आप न्यू बिल्कुल भी नहीं हो, फिर भी मैं हूँ तृषा। और मेरी जो आज की वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मैंने 3-4 मंथ्स पहले प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो को बनाऊंगी कि मैं अपने डाइट में क्या लेती हूँ। तो मेरी आज की वीडियो उसी के बारे में है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। और मेरा जो डाइट प्लान है वो बहुत ही सिंपल है। मैंने कम्प्लीटली कैसे इतना वेट लॉस किया 10 to 12 kgs, और साथ साथ मैं अभी भी क्या खा रही हूँ ताकि मैं अपनी वेट लॉस कर पाऊँ, और साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे ऐसे टिप्स भी आपको मिलेंगे जिनको फॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा जो टफ वाली डाइट है वो करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स मिलेंगे जिससे आप वेट लॉस कर सकते हो। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट से पहले भी मैं हॉट वाटर या फिर वार्म वाटर लेती हूँ। तो ये जो वाटर होता है मैं मोस्टली 8 या 8:30 बजे या फिर 9 बजे करीबन, थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ मैं। और उसके बाद पहला काम ये होता है कि वार्म वाटर पीना। उसमें मैं कभी कभी ACV वाटर या फिर लेमन वाटर, इन दोनों चीज़ों को पीती हूँ। और अगर मैं लेमन वाटर पी रही हूँ तो मैं उसमें थोड़ी सी चिया सीड्स भी डालना पसंद करती हूँ, करीबन 1 टीस्पून के करीब। चिया सीड्स जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल होता है आपके वेट लॉस के लिए, साथ साथ उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आप बहुत सारे सीड्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड फिर सनफ्लावर सीड्स। तो इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। वैसे ही चिया सीड्स को मैं मोस्टली मॉर्निंग के टाइम लेना पसंद करती हूँ मेरे लेमन वाटर के साथ। तो ये जो वार्म वाटर की ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मैंने बताया है, ACV वाटर या फिर लेमन वाटर, आपको ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस काम है। मतलब सुबह उठ के थोड़ा सा वार्म वाटर पीना, मतलब उसमें लेमन या फिर ACV डाल के, लेकिन इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगी। आप खुद देखोगे, अगर आप मिनिमम 60 डेज मतलब 2 मंथ्स करते हो तो आपकी वेट लॉस होगी ही होगी 2 से 3 किलो। फिर उसके बाद मैं करीबन 9:30 से 10 बजे के आसपास मैं अपनी ब्रेकफास्ट ख़त्म करती हूँ। तो ये जो ब्रेकफास्ट होता है, एक्चुअली में मेरा पूरा जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली डाइट नहीं है जिसे मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, क्योंकि मैं खुद भी ये जानती हूँ मैं वैसा डाइट करना नहीं चाहती जो मैं लाइफ टाइम फॉलो ना कर सकूँ। अगर मैं ऐसा कुछ कर लेती हूँ, मैंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जिन्होंने बहुत खतरनाक वाली डाइट जो होती है, मतलब बिल्कुल प्रोटीन के अलावा और कुछ ना खाना, या फिर सिर्फ एक ही रोटी खाना, मतलब ऐसा कुछ जो मतलब बहुत टफ वाली जो डाइट होती है, वैसे जो डाइट करते हैं मैंने उनको अपने सामने से देखा है। वो बहुत जल्दी अपना वेट लॉस कर लेते हैं, फिर वो जब नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं फिर उनका वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बिलीव करती हूँ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस में। मतलब जो मैं करूँगी वो मैं लाइफ टाइम कर पाऊँ, ऐसा ही चीज़ मैं करना चाहती हूँ। उससे अगर मेरी वेट लॉस थोड़ा धीरे धीरे भी हो रहा है तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वेट लूज करके फिर वेट गेन नहीं करना चाहती। तो मेरे जो ब्रेकफास्ट की चीज़ें होती है वो भी बहुत सिंपल होती है। और सुबह के टाइम में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं, तो इसलिए मैं इसे बहुत सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने घर में बोल देती हूँ मेरे लिए 2 बॉइल्ड एग ज़रूर होना चाहिए, तो वो कोई ना कोई कर ही देता है। तो मैं सुबह लेती हूँ 4 आलमंड्स जो मैं सोक करके रखती हूँ। उसके बाद उसका जो स्किन है उसे मैं पील ऑफ करके ही लेती हूँ, क्योंकि आलमंड के स्किन में कैसिन होता है जिसे डाइजेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। इसीलिए अगर आप भी आलमंड्स लेते हो तो डेफिनेटली स्किन को पील ऑफ करके ही आपको लेना चाहिए। और उसके बाद मैं लेती हूँ 2 बॉइल्ड एग्स की वाइट पार्ट। मुझे वाइट पार्ट ऐसे भी ज़्यादा पसंद है, मुझे बॉइल्ड एग का जो योक होता है वो ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और ऐसे भी योक खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। उसके साथ साथ कंप्लीट एग का जो कैलोरी होता है वो कैलोरी होता है 100, और उसमें से अगर आप सिर्फ वाइट पार्ट को लेते हो तो शायद 25 या 27 कैलोरीज आप ले रहे हो, बाकी का 70 कैलोरी रहता है उसी योक में। तो इसीलिए येलो पार्ट को मैं कंप्लीटली अवॉइड करती हूँ, मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता और कैलोरी भी ज़्यादा है। मैं सिर्फ वाइट पार्ट को लेती हूँ, 2 एग बाइट्स मैं लेती हूँ। और उसके साथ लेती हूँ मैं कोई भी फ्रूट्स, मेरे घर में जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं उसमें से कोई भी एक फ्रूट मैं लेती हूँ। जैसे कि मैं बनाना ले लेती हूँ, कभी कभी मैं मैंगो भी लेती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है मैंगो में, तो मैंगो मत खाया करो, लेकिन फ्रूट्स में मैं कैलोरी काउंट बिल्कुल नहीं करती। और मुझे लगता है फ्रूट्स में बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, तो हमें फ्रूट्स में कम से कम डाइट के लिए ये फ्रूट नहीं खाना, वो फ्रूट नहीं खाना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं भी वही मेनटेन करती हूँ, फ्रूट्स मेरे घर में जो भी अवेलेबल होता है वो मैं ले लेती हूँ। और उसके बाद होता है और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं हर रोज़ नहीं लेती हूँ, वो है मेरे घर में जो भी ब्रेकफास्ट बनता है। मतलब जैसे कि नॉर्मल बंगाली घर में ना ऐसे ब्रेड बटर वाले ब्रेकफास्ट नहीं बनते, उसमें बनता है चाउमीन, लूची, परोठा, मतलब पराठा हो गए, वो क्या बोलते हैं कचौरी, ऐसे टाइप चीज़ें बनती है नॉर्मली बंगाली घर में। तो उसके बाद जब मेरी मदर इन लॉ इंसिस्ट करती है थोड़ा सा मुझे कि थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा खा लो, इतना सारा मैंने बनाया है, तो अगर मुझे सच में उसके बाद भी इन सारी चीज़ों को मतलब फ्रूट्स एंड वो दो चीज़ें खाने के बाद भी अगर मुझे भूख रहती है तो जो भी सारी चीज़ें घर में बनता है उसमें से कुछ थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी बहुत इंसिस्ट करती है और मैं भी कभी कभी फील करती हूँ कि इन्हें खाने के बाद भी मेरा जो भूख है वो मतलब सही नहीं है, मतलब थोड़ा सा भूख मुझे अभी भी है, तो तब मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ वहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में लेती हूँ। और एक चीज़ मैं इस डाइट में हो या फिर कोई भी जो वेट लॉस करना चाहता है उनको मैं बोलना चाहूँगी, ये जो कैलोरी होता है ना, कैलोरी आपको काउंट नहीं करना चाहिए, लेकिन कैलोरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज़ आप खा रहे हो और उसमें अप्रॉक्स कितना कैलोरी है, क्योंकि आपके वेट के हिसाब से आपको कैलोरी चूज़ करना पड़ेगा कि कितना कैलोरी लेने से आपका वेट लॉस होगा। अदरवाइज अगर आपकी वेट सोच लो कि 70 है और आप 2500 की कैलोरी ले रहे हो तो शायद आपकी वेट लॉस नहीं हो पाएगी। बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जहाँ से आप BMI के साथ साथ आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए वेट लॉस करने के लिए, वो सब कैलकुलेशन करके आपको बता दिया जाता है। तो आप प्ले स्टोर से जाके ऐसा कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिससे कि आप अपने BMI के साथ आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए वो चेक कर सकते हो, और साथ साथ गूगल से तो आप हर टाइम पूछ ही सकते हो कि इसमें कितना कैलोरी है, उसमें कितना कैलोरी है। उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत पहले आइडिया लगा के खाते रहो, बाद में फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया ही जाएगा कि इसमें कितना कैलोरी है नहीं है, तो उसके हिसाब से आप अपने कंप्लीट डाइट को प्लान कर सकते हो। और इसके बाद मैं करती हूँ डायरेक्टली लंच। मैं कोई भी लंच से पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ, मतलब प्री लंच वगैरह कुछ नहीं होता है मेरे लाइफ में। 10-11 बजे के बाद से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, वो भी बहुत याद कर करके। अलार्म भी सेट करती हूँ कभी कभी पानी पीने के लिए। और फिर लंच में मैं क्या खाती हूँ, लंच में मैं बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। मतलब जो भी मेरे घर में खाना बना हुआ आता है, जो मेरे फ्लैट में आता है, मतलब अपार्टमेंट में मैं काम करने के लिए सारा डब्बा मैं भर के लाती हूँ, जो भी कुछ आता है मैं वो सारा सब कुछ खाती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखती हूँ, वो है जो राइस की इंटेक है उसे मैंने कम्प्लीटली 50% रिड्यूस कर दिया है पहले से। पहले मैं जितना खाती थी राइस उसका पूरा हाफ मैं अभी खाती हूँ, लेकिन जो बाकी की सारी चीज़ें हैं, दाल, सब्जी, कोई भी प्रोटीन है, मतलब फिश या चिकन कुछ ना कुछ बनता है या फिर एग, वो सारा सब कुछ मैं लेती हूँ, लेकिन मैंने राइस का जो क्वांटिटी है उसे कम किया है। लेकिन जो मेरी लंच है उसके बिल्कुल 10 to 15 मिनट्स पहले मैं दो चीज़ें मेंटेन करती हूँ। एक है मैं पूरा एक गिलास पानी पीती हूँ 15 मिनट्स पहले, अगर हो सके तो आप 20 to 30 मिनट्स पहले भी इसे ले सकते हो। और दूसरा है मैं ग्रीन कॉफ़ी टैबलेट्स लेती हूँ, वाओ ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स। इसमें 60 कैप्सूल्स है, इसमें से मुझे 2 कैप्सूल लेना पड़ता है मेरे बिल्कुल लंच से पहले और डिनर से पहले। इससे क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है उसकी वजह से हम लोग बेकार में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो क्रेविंग कम हो जाती है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। 1 मंथ से मैं इसे ले रही हूँ, मैं कह सकती हूँ ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके वेट लॉस के लिए। मेरे डाइट प्लान में कहा है कि मैं एक सप्लीमेंट लेती हूँ जो कि है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट्स के कैप्सूल। इसके बारे में मैंने बताया है, लेकिन बहुत डिटेल में मैंने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ। ग्रीन कॉफ़ी जो होता है वो आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, साथ साथ आपकी एपिटाइट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, वो थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। और मैं आपको वाव की ग्रीन कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट लेने के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि वाव के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो प्लांट बेस्ड होते हैं, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लेना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं हो। लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पैक है तो आप डेफिनेटली इसे ले सकते हो। और जब भी आप WOW की कोई भी प्रोडक्ट लो ना, तो आपको उसके QR कोड को चेक कर लेना चाहिए। QR कोड को आप जब भी स्कैन करोगे तो आपको ये एक पेज में लेके जाएगा जहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस तरीके से आप ये भी मेक श्योर कर सकते हो कि आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट खरीदा है। इसके बाद होती है इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स जो होता है वो मेरा कभी कभी स्किप हो जाता है और कभी कभी मैं खा लेती हूँ। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि ये वाला जो इवनिंग स्नैक्स है मैं हर रोज़ ही लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, उस टाइम मैं बिल्कुल अपार्टमेंट से अपने घर में जाने के लिए बिजी रहती हूँ, तो कुछ भी खाना नहीं होता है। मैं पानी ज़रूर पीती हूँ उस टाइम। लेकिन पूरे वीक में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इस इवनिंग स्नैक्स के टाइम में मैं थोड़ा सा जो अनहेल्दी फूड है वो खा लेती हूँ। हो जाता है मुझसे ऐसा कभी कभी, जैसे कि पिज़्ज़ा खा लिया या फिर मैंने KFC का कुछ खा लिया। तो अगर ऐसा मैं कुछ खा लेती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि बाकी के जो 6 डेज है उसमें मैं बिल्कुल हेल्दी खाऊँ और इस इवनिंग स्नैक्स के टाइम बिल्कुल भी गड़बड़ ना करूँ। और अदरवाइज अगर मुझे टाइम मिलता है, मैं घर में रहती हूँ और कुछ भी इवनिंग स्नैक्स लेती हूँ तो वो मोस्टली मैं लेती हूँ डेट्स, मेरे फ्रिज में हमेशा रहता है। अदरवाइज मैं लेती हूँ झाल मुड़ी। झाल मुड़ी को बंगाली हिंदी में, मतलब झाल मुड़ी तो बंगाली में बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में। एक्चुअली वो परफेक्ट राइस होता है ना, उसके साथ मसाला वसाला डाल के वो, और ज़्यादा कुछ नहीं। ओके। और अगर मैं घर में जाती हूँ उस टाइम मुझे कभी कभी ब्लैक टी ऑफर किया जाता है। मेरी मदर इन लॉ मुझे ब्लैक टी खाने को देती है और इसमें मैं शुगर नहीं लेती हूँ। मैं सुबह का भी जो टी है उसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे टी मतलब पीना ही है। अभी खाना बोल रही थी। ओके, बंगालीज पीने और खाने में कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं पीती हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का कंफर्म नहीं है, अगर मिल जाए तो लेती हूँ, लेकिन बिल्कुल विदाउट शुगर। ये मैंने बहुत दिन पहले छोड़ा है, करीबन 2-3 ईयर्स हो गए होंगे कि मैं चाय में चीनी नहीं पीती हूँ। फिर आती है डिनर की बात। ओके, डिनर में भी सेम 15 to 20 मिनट्स पहले मैं पानी और ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल लेती हूँ। और साथ साथ और एक चीज़ मैं हमेशा मेंटेन करती हूँ कि डिनर अपने हाथों से बनाना, वो इसलिए क्योंकि डिनर के टाइम में ही मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊँ या फिर ट्विगी के लिए कुछ बनाऊँ। तो मैं अभी मोस्टली प्रेफर करती हूँ ट्विगी का और मेरा खाना एक साथ बनाना, मतलब जो ट्विगी खाएगी मैं वही खा लेती हूँ। ट्विगी बहुत ज़्यादा पसंद करती है डिनर में चिकन स्टू लेना और नहीं तो दलिया की खिचड़ी लेना, तो मैं इन दोनों चीज़ों में से किसी एक को ले लेती हूँ। और डिनर जो मेरा होता है वो मोस्टली मैं 9 से 9:30 तक ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगी आप 8 बजे तक ख़त्म करो। लेकिन मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में मैं यहाँ से जाती हूँ, मेरी छोटी सी बेबी भी है, तो इसके लिए मैं 8 बजे तक ख़त्म नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैंने इसे 9 to 9:30 किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा जो इससे पहले रूटीन था वो 11 बजे मैं डिनर करती थी, तो अभी मैं 9 to 9:30 में कर लेती हूँ। और मुझे इससे भी बहुत फ़र्क फील हुआ है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मैं जल्दी डिनर ख़त्म कर लेती हूँ। और डिनर का रेसिपी मैंने बोल दिया है, चिकन स्टू या फिर दलिया। चिकन स्टू कैसे बनाते हैं, मतलब मैं जनरली कैसे बनाती हूँ वो भी दिखाती हूँ। ये चिकन स्टू ट्विगी और मेरे दोनों के लिए है, इसीलिए इसमें बहुत ही कम ऑयल डलता है और बिल्कुल भी सॉल्ट भी बहुत कम होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और उसके अंदर अनियन और फिर क्लोव्स और थोड़ी सी जिंजर डाल देती हूँ। और उसके बाद बहुत सारी सब्ज़ी डालती हूँ, जो भी मेरे फ्रिज में तभी अवेलेबल होता है मैं वही डाल देती हूँ। और उसके बाद कुछ चिकन के पीसेस डाल के मैं उसे बस सौते कर लेती हूँ। और उसके बाद ढेर सारा पानी डाल देती हूँ इसके अंदर और ज़रूरत के हिसाब से सॉल्ट भी डाल देती हूँ। और फिर 2 से 3 सीटी बच जाए और उसके बाद मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और इसमें मैं कभी कभी एग ऐड करती हूँ, सिर्फ एग की जो वाइट पार्ट होती है उसे, और कभी कभी नहीं भी करती हूँ। और इसके ऊपर मैं कभी कभी थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स भी डाल देती हूँ, ट्विगी को भी बहुत पसंद है। और अगर कोरिएंडर लीफ होता है तो वो भी डालती हूँ, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो डिनर में 9 से 9:30 तक ख़त्म कर लेती हूँ। और ये खाने के बाद भी कभी कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा राइस लेती हूँ या फिर नहीं लेती हूँ। मोस्टली प्रेफर करती हूँ नहीं लेना, लेकिन कभी कभी घर वाले इतना इंसिस्ट कर देते हैं आपको अगर भूख नहीं भी लगती है तो आपको लगता है हाँ मुझे थोड़ा सा भूख है। ओके, तो घर वालों से भी बहुत ज़्यादा बच के रहना पड़ता है अगर आप चाहते हो वेट लॉस करना, जो भी हो। अदरवाइज मैं और एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, आपको भी बोलूँगी कि अगर आप 8 बजे तक डिनर खत्म कर रहे हो या फिर 9 बजे तक डिनर खत्म कर रहे हो, उसके बाद अगर आप किसी ना किसी वजह से 11 या फिर 12 बजे तक जाग रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत भूख लग जाती है। तो मुझे भी बहुत टाइम ऐसा थोड़ा सा लेट नाइट सोना पड़ता है, वो टूगी की वजह से, क्योंकि टूगी को नींद आएगा उसके बाद ही मैं सो सकती हूँ। तो अगर ऐसा लेट हो जाता है और तब मुझे भूख लगती है तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ थोड़ी सी दूध पीना। उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ, मतलब मैं सो सकती हूँ, मुझे भूख नहीं है। और दूध के साथ और एक चीज़ ऐड कर सकते हो जिससे कि इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चिया सीड्स भी आप इसके अंदर डाल सकते हो जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मतलब चिया सीड पुडिंग बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा हेल्दी डाइट जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है किसी को भी मेंटेन करने के लिए, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ अगर आप इतना सही कर सकते हो, मतलब जितना आप पहले खाते थे उससे थोड़ा सा कम राइस कर दो, रोटी थोड़ा सा कम कर दो और बाकी के सारे चीज़ों को हेल्दी कर दो। 3 लीटर्स पानी पियो, ये जो मैंने ग्रीन कॉफ़ी कैप्सूल बताया है ये लो, और जैसे कि मैंने सुबह कहा है ल्यूकोम वाटर या फिर एसीवी वाटर लो, तो आपकी डेफिनेटली वेट लॉस होगी विद इन 1 मंथ। 2 किलो से 3 किलोस आपकी वेट लॉस होगी ही होगी, क्योंकि इसी डाइट को करके मैंने 2 किलोस वेट लॉस किया है विद इन अ मंथ। और जबकि मुझे थायराइड है तो आपको पता ही होगा थायराइड के साथ वेट लॉस करना कितना डिफिकल्ट है, उसके बाद भी मैंने 2 किलोस वेट किया है। और अगर आपको थायराइड नहीं है तो डेफिनेटली 3 किलोस से 4 किलोस तो वेट आप लूज़ कर ही दोगे इतना सिंपल से डाइट के साथ। तो आई होप आपको इससे ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो और आपके लाइफ में मोटिव सिर्फ वेट लॉस ही है, तो इसके साथ साथ आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हो और थोड़ा सा टफ डाइट भी कर सकते हो। लेकिन मेरी लाइफ में वेट लॉस के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना पड़ता है या फिर वो सारी चीज़ों पे मैं फोकस करती हूँ। तो इसीलिए मैं वेट लॉस को बहुत ही सिंपल, हेल्दी एंड बेसिक रखना चाहती हूँ और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस में ध्यान देना चाहती हूँ, ना कि बहुत ज़्यादा टफ वाली डाइट में। होप ये जो वीडियो है आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा है तो प्लीज़ छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना। और साथ साथ जो भी मेरी तरह मॉम्स है वेट लॉस करना चाहती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है डाइट या फिर एक्सरसाइज करने की, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए मेरे आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।